नमस्कार, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा संघ प्रशासन द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख पार्टी में दुकान होटल हुए बंद। वलसाड जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु जानकारी दी। पार्टी मेडिकल स्टोर में हुई मास्क और सैनिटाइजर की कमी। अब समाचार विस्तार से। सिलवासा संघ प्रशासन द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किए गए आह्वान पर दिनांक 22/3/2020 के रविवार के दिन देव दमन दादरा नगर हवेली के प्रशासक महोदय प्रफुल्ल भाई पटेल के दिशा निर्देशन में दादरा नगर हवेली प्रदेश में सुबह 7 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू के नाम से बंद रखने का आह्वान किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के देश में बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए संपूर्ण भारत बंद के साथ साथ संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा को बंद रखने का आह्वान किया गया है। ऐसे में दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा सिलवासा प्रदेश के सभी मॉल्स, स्विमिंग पूल, थिएटर, जिम और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों को बंद कर लोगों के जाने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच सिलवासा प्रदेश के सभी चेक पोस्टों पर बाहर से आने वाले लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिक थर्मोमीटर गन द्वारा चेकिंग करने के बाद प्रदेश में एंट्री दी जाती है। इसी के बीच सिलवासा श्री विनोबा भावे अस्पताल के सामने बुट्स फार्मेसी के संचालक विरल राजपूत द्वारा अनेक मेडिकल पर आने वाले सभी लोगों पर पिछले 3 दिनों से मुफ्त मास्क वितरण किया जा रहा है। महामारी कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में करीब 287 जितने मरीजों को रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हिंदुस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। जो हम लोगों ने देखा है कि चीन है, चीन के वुहान से जो एक वायरस निकला है कोविड, जिसका नाम 19 कोविड-19 नाम दिया गया है, जो एक वायरस है जो संक्रमण से फैलता है। जैसे एक आदमी के छूने से फैलता है, उनके वायरस जो होते हैं वो छींकने से, खांसने से या फिर हाथ मिलाने से ये जो वायरस है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है और वो बॉडी में इन्फेक्टेड हो जाता है। और ये जो वायरस है अभी तक पूरे दुनिया में फैल चुका है। हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस पाए गए हैं, मुंबई में भी अभी केसेस डिटेक्ट हुए, फिलहाल कल ही मैंने जो सुना है सूरत में भी केसेस आ गए। जो सिलवासा है एक सेंटर है तो अभी तक यहाँ पे तो कोई केस नहीं है, लेकिन हम भी यहाँ पे सिलवासा में एक स्मॉल टाउन है तो अपने अवेयरनेस के लिए कितना से कितना हम लोग अवेयर रह सकते हैं इसके लिए हम लोगों ने, हमारी ये जो बूट्स फार्मेसी है वहाँ पे हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई यहाँ पे ये कॉटेज हॉस्पिटल के सामने है तो यहाँ पे पूरे दर्दी और पेशेंट ही आते हैं, तो उनको एक अपने सेफ्टी और आगे वाले की सेफ्टी, मास्क पहनने से सामने वाला जो है उनकी तो सेफ्टी होगी लेकिन जो अपनी भी एक सेफ्टी है उसके लिए हम लोग फ्री में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बूट फार्मेसी की ओर से कर रहे हैं। और ये जो मास्क है कि उसको आप वापस रीयूज़ भी कर सकते हैं, स्टराइल करके वापस रीयूज़ कर सकते हैं, वैसे मास्क का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का जो आज आह्वान किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कल जो अपने लोगों से, अपने पूरे देशवासियों से जो आह्वान किया है कि जनता कर्फ्यू, ये कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानी ये जो संक्रमण से जो फैलने वाला वायरस है, अगर हम लोग एक दूसरे से ना मिले और ये जो सोशल जो गैदरिंग होती है, जैसे कि हम लोग पार्क में कहीं जाते हैं, टहलने जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट और ये सब जगह जाते हैं, तो एक दिन के लिए हम लोग संडे के दिन 22 मार्च जो मोदी जी ने बोला है, संडे के दिन हम लोग अपने घर में सुबह 7 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक, यानी ये जो पूरा 12 घंटे से आगे जो एक पीरियड है उस पीरियड में हम लोग घर में रहेंगे और घर में रह के ही इसको मिटाया जा सकता है। अपने को एक क्वारंटाइन आइसोलेशन करके इसको हम लोग आगे फैलने से बचा सकते हैं। तो ये मोदी जी का जो एक प्रयास है कि एक दिन का जो जनता कर्फ्यू है उसमें मैं सिलवासा के सारे लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जो मोदी जी ने आह्वान किया है जनता कर्फ्यू में पूरा सपोर्ट करें, आप लोग अपने घर से ना निकले। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख पार्टी में दुकान और होटल हुए बंद। चीन गुजरात में कोरोना वायरस के दर्दियों के सूरत में पॉजिटिव केस आने की वजह से सरकार सतर्क हो रही है। टायरे आरोग्य विभाग की टीम ने कोरोना जैसे रोग से सतर्क रहने को बताया है, जिसकी वजह से पार्डी नगर में मामलतदार पुलिस और नगर पालिका चीफ ऑफिसर की टीम द्वारा राज्य से मिली सूचना का पालन करने दुकान, हॉल,
श्रीनाथ, फाउंटेन, विश्राम जैसे सभी होटल बंद रखने में आई है। अनाज की दुकान और हॉस्पिटल चालू रहेगी। आज पार्टी में कर्फ्यू लगा हो ऐसी स्थिति देखने को मिली थी। तब कई दुकानें नियमों का उल्लंघन करते पालिका के डीजेन पंड्या की टीम जगह पर आ पहुंची थी और दुकानें बंद करवाई गई। उसी के साथ पार्टी जीआईडीसी में चल रहे उद्योगों को दो दिन बंद रखने हेतु मीटिंग का आयोजन करने में आया था। ત્યાં વધારે પડતા લોકો આવે છે, તમામ વસ્તુઓ ત્યાં વધારે પડતા સોશિયલ ગેધરિંગ છે કે જે બી પણ હોય ત્યાં સામાજિક મેળાવડાઓ તમામ બંધ કરવામાં તેની સૂચના છે સાહેબ। આનું અત્યારે જાહેરનામું 29 તારીખ સુધીનું છે, ત્યાં સુધી તો બંધ, ત્યાર પછી નવી જે સૂચના હોય એ પ્રમાણે પાલન કરવામાં આવશે। મામલતદાર તેમજ પોલીસ તેમજ પાલિકા દ્વારા આજે પાડી તમામ દુકાનો બજારો બંધ કરવામાં આવી છે અને વેપારીઓ બી ચુસ્તનું પાલન કરી રહ્યા છે। કોરોના વાયરસ જે મહા ફેલાય નહીં અને લોકોના સંપર્કથી વધુ ફેલાય છે, જેથી કરીને આનો ખાસ કરીને બંધ કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો મેડિકલ સ્ટોરો ચાલુ કરવામાં આવી છે, પરંતુ ત્યાં પણ માસ્ક અને સ્ટેબિલાઇઝરનું કોઈ પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી અને કે ઉપરથી જો સ્ટોક નથી એટલે સ્ટોક પણ પૂરો કરવામાં આવ્યો છે। મેડિકલ હાલ માત્ર અત્યારે દવા વેચી રહ્યા છે। ટોટલી જે કોરોનાને લાગતા બંને અગત્યના વસ્તુઓ મળી નથી અને જોવા જાય તો આપ જોઈ રહ્યો છો અત્યારે ફટાફટ દુકાનો બંધ થઈ ગઈ છે। અમુક લોકો જે છે તેનું પાલન બી કરતા છે, જ્યારે અમુક લોકો એનું ઉલ્લંઘન બી કરતા છે। વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટરને કોરોના વાયરસે બચાવ હેતુ જાણકારી દી। રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોરોના વાયરસ સે બચને કે સતર્કતા કે લીએ ઉપાય હેતુ રવિવાર કે દિન ઘર સે બહાર ન નિકલને કી ઓર 31 માર્ચ તક વોટર પાર્ક, પાર્ટી ક્લબ, હોલ જેસી જગહ પર ન જાને કી અપીલ કરને મે આઈ હે। વલસાડ જિલ્લા કલેક્ટર સી આર ખરસાણ દ્વારા વિડીયો દેકર અપીલ કરને મે આઈ, જિસમે સલામતી હેતુ ક્યા કરના ચાહીએ ઉસકી જાણકારી દેને મે આઈ હે। હું સી આર ખરસાણ, કલેક્ટર વલસાડ, તારીખ 20/3/2020 સવારે 11 કલાકે વલસાડ શહેર અને જિલ્લાના તમામ નાગરિકો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નોવેલ કોરોના વાયરસથી થતી બીમારીનો ઈલાજ કે રસી હજી સુધી બનેલ નથી, આથી સાવચેતી એ જ માત્ર આપણો ઉપાય છે। હું વલસાડના તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે એક સરકારી કચેરીઓ, ધર્મસ્થાનો, લગ્ન પ્રસંગ કે અન્ય સામાજિક મેળાઓ, મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ કે અન્ય જાહેર સ્થળોએ જવાનું ટાળીએ। બે, જિમ્નેશિયમ, વોટર પાર્ક, ઓડિટોરિયમ, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક, મેરેજ હોલ, લગ્નવાડી, ગેમ ઝોન, રિક્રિએશન ક્લબ, ટ્યુશન ક્લાસીસ, જીમ, સ્પોર્ટ ક્લબ, સ્વિમિંગ પૂલ, ડાન્સ ક્લાસીસ વગેરે પર પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યો છે। 3, તારીખ 20/3/2020 સ્થિતિએ વિદેશથી આવેલ વલસાડ જિલ્લામાં કુલ 105 વ્યક્તિઓ હોમ ક્વોરન્ટાઇન હેઠળ છે, અર્થાત તેમણે ઘરમાં રહેવાનું છે અને બીજા કોઈએને ચેપ ન લાગે એની તકેદારીના ભાગરૂપે બહાર જવાનું નથી। 4, જેઓએ હોમ ક્વોરન્ટાઇનની સલાહ આપવામાં આવી છે તેમને અનુરોધ છે કે આરોગ્ય વિભાગની સૂચના અનુસાર 14 દિવસનો હોમ ક્વોરન્ટાઇન વ્યવસ્થિત રીતે પાડે। જો કોઈ ઈસમો હોમ ક્વોરન્ટાઇનની જગ્યાએ જાહેરમાં ફરતા દેખાશે તો તેમને સરકારી ક્વોરન્ટાઇન ફેસિલિટીમાં ખસેડવામાં આવશે, તદુપરાંત જરૂરી કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા આ અંગે ચકાસણી રાખવા માટે ટીમો કાર્યરત છે। 5, નાગરિકોને વિનંતી છે કે તેઓ અનાવશ્યક મુસાફરી ટાળે, આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુસાફરી તો બિલકુલ ટાળે। 6, તમામ નાગરિકોને વિનંતી છે કે બિનજરૂરી બહાર જવાનું ટાળે, હાથ સમયાંતરે 20-40 સેકન્ડ ધોતા રહે। 7, 60 વર્ષથી ઉપરની વયના નાગરિકો ઘરની બહાર ન નીકળે। 8, તારીખ 22/3/2020 રોજ સવારે 7 થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી જનતા કર્ફ્યુનું આપણે સૌએ સ્વયંભૂ પાલન કરીએ તથા આપણા આરોગ્ય કર્મીઓ, સરકારી કર્મચારીઓ, પોલીસ, એરલાઇન્સ, સફાઈ કર્મચારીઓ, હોમ ડિલિવરીની સેવા આપનાર તમામ સેવાઓની કદર કરવા માટે
તારીખ 22/3/2020 રોજ સાંજે 5 વાગે ઘરના દરવાજે બાલ્કની અથવા બારી ઉપર ઊભા રહીને 5 મિનિટ સુધી તાળી થાળી ઘંટડી વગાડી તેમના પ્રત્યે આપની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ. 9. રૂટીન ચેકઅપ કે સામાન્ય બીમારીઓ માટે હોસ્પિટલ ઉપર જવાનું ટાળીએ. ઇમરજન્સી સિવાય દવાખાનાઓમાં જવાનું ટાળીએ. 10. જીવન જરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનું ટાળીએ. આ પરિસ્થિતિમાં આપના પૂર્ણ સહકારની અપેક્ષા સાથે આપનો CR ખરસાણ, કલેક્ટર વલસાડ. वापी शहर में पहली बार SSB इंस्टीट्यूट ला रहा है कई ट्रेनिंग कोर्स, जिससे आप ब्यूटी पार्लर की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। हमारे यहाँ कई इंटरनेशनल कोर्स सिखाए जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल फैकल्टी द्वारा हेयर कटिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास का भी आयोजन है। इंस्टीट्यूट की ओनर शीतल गिलानी अपने छात्र को खुद नेल आर्ट और मेकअप की ट्रेनिंग देती है। तो देर किस बात की, आज ही हमारे SSB इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अपने भविष्य को दे एक नई पहचान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 720-39-555-32, 720-39-555-46। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पार्टी की मेडिकल स्टोर में हुई मास्क और सैनिटाइजर की कमी। तब गुजरात में भी कोरोना वायरस के दर्दी दिखने मिलते हैं, जिसकी वजह से सरकार द्वारा सलामती हेतु कामगिरी करने में आ रही है। तब पार्डी के मेडिकल शॉप में सलामती हेतु मिलने N95 जैसे सभी प्रकार के मास्क खत्म हो चुके हैं। बाजार में मास्क की मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेडिकल स्टोर में भी स्टॉक समाप्त हो रहे हैं। साथ ही में हैंड सैनिटाइजर का स्टॉक भी समाप्त हो रहा है। तभी ग्राहक द्वारा मेडिकल स्टोर वाले ज़्यादा दाम लेने की शिकायत कर रहे हैं, जबकि N95 मास्क किसी भी मेडिकल में उपलब्ध न होने की बात संचालक द्वारा बताने में आई है, क्योंकि इस मास्क के दाम ₹200 से ज़्यादा होते हैं। कोरोना वायरस ने लीधे सैनिटाइजर अने मास्क अचानक मांग एटली बधी वधी गई छे, एने लीधे कंपनीओ पूरी पाड़ी शकता नथी। जे स्टैंडर्ड कंपनीओ छे, डेटोल छे, सेवलॉन छे, ए स्टैंडर्ड कंपनीओना मास्क सैनिटाइजर मळता नथी, अने बीजी लोकल कंपनीओना मळे छे, જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓની માંગ વધારે લીધે એ મળતા નથી। ઉદવાડા સે પરિયા કી ઓર જાને વાળા રસ્તે કા કામ રૂકને સે લોગ હો રહે પરેશાન। ઉદવાડા RS પરિયા કી ઓર સે ગુઝરતા રસ્તા પિછલે કઈ વખત સે ખસ્તા હાલ મે થા, જિસકો લેકર સ્થાનિક લોગો કી અપીલ સે નયે રસ્તા બનાને કી શરૂઆત કરને મે આઈ,
पर कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में आधा काम छोड़ने की वजह से रेती पत्थर जैसे सामान ऐसे ही पड़े हैं और ये काम बंद होने की वजह से लोग ना चाहते डायवर्जन रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। सरकारी तंत्र द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को जल्द ही नाली का काम समाप्त करने का सूचन देने में आया। रोज बरोज गुजरते वाहन चालक को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सिलवासा संघ प्रशासन द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया। गुजरात में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देख पार्टी में दुकान होटल हुए बंद। वलसाड जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु जानकारी दी। पार्टी मेडिकल स्टोर में हुई मास्क और सैनिटाइजर की कमी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़। नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।